नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। राजद और छात्र राजद ने इटार पंचायत में संगठन का किया विस्तार। प्रभु सिंह कुणाल जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट औरंगाबाद से। रफीगंज प्रखंड के इटार पंचायत में राष्ट्रीय जनता दल ने अपने संगठन का विस्तार कार्यक्रम किया, जिसमें रफीगंज युवा राजद और छात्र राजद ने अपने पंचायत स्तरीय समिति का गठन किया, जिसमें युवा राजद के तरफ से हरेंद्र यादव को युवा राजद का पंचायत का अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा नंद कुमार यादव को छात्र राजद का पंचायत अध्यक्ष चुना गया। युवा प्रखंड अध्यक्ष जुबैर अंसारी और छात्र राजद प्रखंड अध्यक्ष सल्लू यादव ने बताया कि इस बार कड़ी मेहनत करके मुख्यमंत्री के सेहरा तेजस्वी यादव को पहनाना है। इस मौके पर राजद युवा प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद जुबैर अंसारी और सल्लू यादव के द्वारा प्रमाण पत्र दिया। इस समारोह में जिला प्रधान महासचिव असलम अंसारी, राजद नगर उपाध्यक्ष अफरोज आलम, रॉबिन यादव, उमेश यादव, आयुष खत्री, रोशन चंद्रवंशी, विशाल यादव, अजीत पटेल और सभी ग्रामीण जनता के साथ राजद के कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहां पर आए सभी छात्र भाई जो जिला प्रधान महासचिव हैं, असलम मुखिया यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर रोशन भाई भी आए हुए हैं। यहाँ पर अति पिछड़ा उपाध्यक्ष और रोहिन जी भी हमारे हैं, अरुण जी भी हैं, सभी लोग यहाँ पर हैं। और कहने का मतलब यह है कि इस बार चाहे किसी को भी टिकट मिले, ये नहीं देखना है, सिर्फ हमें ये देखना है कि सरकार पर चेंज हो। नीतीश कुमार को इस बार हटाना है, नीतीश कुमार को हटाकर युवा पीढ़ी को लाना है तेजस्वी भैया। बस यही मन में सबको ठान ला, इसके लिए सबको मेहनत किया। छात्र जितने हैं, जितने भी छात्र हैं, सब एक साथ संगठन होकर बात करें, अपना मेहनत करें और गांव-गांव जाकर हम लोग एक कमेटी बनाए जाएंगे ग्रुप बाय ग्रुप और उससे हम लोग जोड़ेंगे एक कमेटी, ताकि हम लोग राजद को इतना मजबूत करेंगे कि हर लोग ये जाने कि वोट लाने के काम है। और बाकी हमारे सज्जू भाई को सारा चीज बता ही दिए हैं और मेहनत जरूरी है, बस मेहनत जरूरी है कि सरकार को चेंज करना। तेजस्वी भैया